हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका जीके का टीचर, आपके सामने हाजिर हूँ। और ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और भाई, हम आज से करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। और ये करंट अफेयर मैं इवनिंग टाइम में डाला करूँगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासेज आएंगी आपके पास। तो शुरुआत करते हैं भाई आज के करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर की शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाल ही में पांचवा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे या चंडीगढ़ में। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भाई। फिनटेक क्या है आपका, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ये फिनटेक आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प करता है स्टार्टअप्स की। फिनटेक ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का अभी हाल फिलहाल फेस्ट हुआ है। फेस्ट यानी कि इससे रिलेटेड एक आयोजन करा गया है। और ये कहाँ किया गया है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो कहाँ करा गया है तो ये याद रहना आपको, ऑप्शन बी मुंबई में ये आपका फिलहाल फेस्ट हुआ है, ठीक है। तो याद रखना इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवा ग्लोबल फिनटेक है, याद रखना। और पीएम मोदी जी ने इसे संबोधित करा है। पीएम मोदी जी ने इसे संबोधित करा है। और इसे जो आपका ऑर्गेनाइजर है वो कौन है इसके फिनटेक के, तो ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसके ऑर्गेनाइजर हैं। और इसका थीम क्या रखा गया है, तो जिम्मेदार जिम्मेदार एआई। साझेदार एवं लचीला, साझेदार एवं लचीला ये इसका थीम है। मोदी जी के द्वारा इस पे संबोधित करा गया है फिनटेक को। और ये कहाँ हुआ है, ये आपका मीटिंग कहाँ हुई है, तो याद रखना है मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज क्या है। रिसेंटली इन पेरिस ओलंपिक 2024 रूबीना फ्रेंसिक वोन वुमेन 10 मीटर पिस्टल इवेंट। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, ठीक है। कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है हमें, ठीक है। चलिए बताइए जी क्या आएगा आंसर। उससे पहले एक चीज और याद रखना। हाँ जी, ये लिस्ट है इस बार जो भी पैरा ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं हमारे, ये पेरिस में हो रहे हैं। 2024 पैरा ओलंपिक पेरिस में हो रहे हैं, फ्रांस में। और इंडिया की तरफ से ये मेडल टैली अब तक आ चुकी है। देखिए आज ही की बात है, नितेश कुमार ने गोल्ड जीता है बैडमिंटन में, योगेश कथुनिया ने सिल्वर जीता है एथलीट में, अवनी लेखा ने गोल्ड जीता है शूटिंग में, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में, प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज जीता है एथलीट में, मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता है शूटिंग में, रूबीना फ्रांसिक ने ब्रॉन्ज जीता है शूटिंग में, ठीक है। और प्रीत पाल ने फिर ब्रॉन्ज जीता है एथलीट में, और निषाद कुमार ने सिल्वर जीता है एथलीट में। यानी आप गोल्ड देखिए तो दो गोल्ड आए हैं हमारे पास। एक तो नितेश कुमार ने अभी आज की बात है बैडमिंटन में जीता है, और अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है शूटिंग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है लिस्ट आपको इस बार की। तो पेरिस ओलंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है, तो आपको पता चल चुका है ऑप्शन सी राइट आंसर है ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ उद्घाटन किया गया है। हाँ जी, बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर इसका उद्घाटन करा गया है, ये बताना है हमें। राजगीर, पटना, गया या बोध गया। हाँ जी भाई, बिहार की पहली विश्व स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने करा है, तो वहां के जो सीएम है नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन करा है, ठीक है जी।
नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन करा है। और उसके अलावा भाई 23 जो स्पोर्ट्स इवेंट हैं उनके लिए ये खेल परिसर बनाया गया है, 23 के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा बड़ा परिसर बनाया गया है, ठीक है। अच्छा तो भाई कहाँ पर ये विश्वविद्यालय आपका खोला गया है, तो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजगीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्या कह रखा है, हुरेन इंडिया रिच लिस्ट 2024 द्वारा एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब किसने दिया गया है, किसे दिया गया है ये बताना है भैया हमें। भाई सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर है, तो अरबपतियों की राजधानी का श्रेय किसे दिया गया है ये बताना है। एक हुरेन रिच लिस्ट नाम की एक लिस्ट निकाली गई है हुरेन सोसाइटी द्वारा, तो उसने लिस्ट बनाई है, तो किस शहर को अरबपतियों का शहर कहा गया है, अरबपतियों की राजधानी कहा गया है, जकार्ता, बीजिंग, कुआलालंपुर या मुंबई। तो इसका राइट आंसर है भाई आपका ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई को अरबपतियों की राजधानी बताया है किसने, हुरेन रिच लिस्ट। भाई हुरेन रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें ना हम, हाँ जी, हुरेन रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप पाएंगे भाई इस लिस्ट ने अभी हाल फिलहाल बताया कि जो गौतम अदानी है वो भारत के सबसे अमीर आदमी है। इस लिस्ट ने बताया गौतम अदानी भारत के सबसे, दूसरे नंबर पर कौन है जी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को दूसरे नंबर पर रखा गया है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रहे भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए और देखते हैं भाई और क्या क्वेश्चन है। हाँ जी, एक क्वेश्चन यह है कि हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज तबार ने किस देश के नौसैनिक जहाज अल्टाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। हाँ जी, तो इटली, पोलैंड, स्पेन या जर्मनी, किसके साथ करा है भाई ये बताना है हमें। तो भाई इंडिया की तरफ से जहाज का नाम क्या है ये तो याद रखें आप, तबार, और दूसरा देश जो है उसके जो शिप है उसका नाम क्या है, अतलया। एक तो ये नाम याद रखना, और ये किसके साथ ये नेवल शिप एक्सरसाइज हुई है, तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है जी, मैड्रिड। मैड्रिड राजधानी है जी स्पेन की, ठीक है। चलिए यूरोप कंट्री है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्टर ग्वेन थी नोक जिन्हें हाल ही में मैगसे पुरस्कार 2024 चुना गया है किससे संबंधित है, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया या भूटान। हाँ जी भाई, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है 2024 का, मैगसे अवार्ड, रमन मैगसे अवार्ड। ये अवार्ड मनीला फिलीपीन द्वारा दिया जाता है, मनीला राजधानी है फिलीपीन देश की, उसके द्वारा ये मैगसे अवार्ड दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इसे एशिया का नोबेल प्राइज। एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है रमन मैगसे अवार्ड को, ठीक है। अच्छा और भाई तो अभी देखे भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला जो रमन मैगसे अवार्ड था वो किसे मिला था, तो हम नाम लेते हैं जी विनोबा भावे, विनोबा भावे का नाम लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये रमन मैगसे अवार्ड डॉक्टर न्यूवेन थी नॉक को दिया गया है, ये किस देश के हैं, तो याद रखना ऑप्शन बी वियतनाम इसका राइट आंसर है, ठीक है, वियतनाम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी भाई, ये क्या क्वेश्चन है, mRNA वैक्सीन BTN116 विच वाज द न्यूज रिसेंटली। हाँ जी भाई, mRNA वैक्सीन है ये BNT116, किससे संबंधित है, फेफड़ों के कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए, लंग कैंसर, ठीक है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो भाई mRNA, mRNA क्या होता है जी, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है,
कैंसर डे कब मनाया जाता है आपका? कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे। तो याद रखना 4 फरवरी को हम कैंसर डे बनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे। और दूसरा भाई, जो ये जो कैंसर है आपका, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को हम मनाते हैं। उसके अलावा कैंसर के अध्ययन को, स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं भाई? स्टडी ऑफ कैंसर, तो इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है इसे, स्टडी ऑफ कैंसर को। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? लंग कैंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, इसका राइट आंसर क्या था? मुंबई फिनटेक का, और कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था फेस्ट? हाँ जी, प्रोजेक्ट नमन ये किससे रिलेटेड है भाई? एनसीईआरटी, गृह मंत्रालय, यूजीसी या भारतीय सेना? हाँ जी, तो भाई प्रोजेक्ट नमन क्या है आपका? प्रोजेक्ट नमन जो है, ये जो एक्स सर्विसमैन है जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने के लिए एक स्पर्श ऐप बनाया गया है। स्पर्श ऐप, तो प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड है ये, प्रोजेक्ट नमन आपका। ये किसके द्वारा शुरू करा गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा ये शुरू करा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रिटेल, एससीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन को कौन सा दर्जा दिया गया है? देखिए भाई, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये कंपनियां हैं, ठीक है, सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर। और ये जो कंपनियां हैं अभी हाल फिलहाल, इन्हें ऑप्शन बी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो रिटेल, एससीआई और एनएचपीसी और एसजेवीएन, ये पीएसयू कंपनियां बन गई है। एसजेवीएन क्या है आपका? सतलुज जल विद्युत निगम। हाँ जी, एसईसी क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया। एनएचपीसी क्या है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। रिटेल क्या है आपका? ये रेल से रिलेटेड एक कंपनी है आपकी, तो इन्हें क्या है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब भारत में टोटल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द न्यू फ्लैग एंड लोगो ऑफ सुप्रीम कोर्ट? किसने लॉन्च करा ये? डीवाई चंद्रचूड़, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? तो याद रखना है भाई, ये फिलहाल नया लोगो बना दिया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ संविधान की किताब दिखा रखी है, ये सुप्रीम कोर्ट दिखा रखा है, नीचे लिखा है ये तो धर्मस्ते जय। तो ये लोगो, ये सारा जो बनाया गया है, ये किसके द्वारा तैयार कराया गया है, कौन है इसके पीछे? तो याद रखना ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू ने ये काम करवाया आपका, न्यू फ्लैग और लोगो सुप्रीम कोर्ट का मान्यता प्राप्त कर दिया। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाँ भी लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे लगभग मैंने आपको आज के करवा दिए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन कराए जाए इनके आप नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।